हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी आर्ट एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं आई हूँ अपने कॉलेज दोबारा से, क्योंकि मेरे को डिस्प्ले के लिए कुछ काम लगाना था। और आज मैं आपको अपना पूरा जो कॉलेज है वो विज़िट कराऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जितने भी स्कल्पचर हैं वो हमारे कॉलेज में सब बने हुए हैं, मतलब बच्चों ने बनाए हुए थे, तो वही सब हैं पुराने। और अभी काफ़ी टाइम से मतलब कुछ हुआ भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, तो जो भी है सब कुछ पुराना ही लगा हुआ है। आई थिंक नया तो कुछ है ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन में कोई आया ही नहीं था। अभी तक चल रहा है तो अभी तक कॉलेज खुले नहीं हैं एक्चुअली। तो यही सब जो है कुछ स्कल्पचर हैं आप देख सकते हैं। अगर कॉलेज खुले हुए तो डेफिनेटली हम भी यही सब चीज़ें कर रहे होते, बट अभी तक तो कुछ है नहीं, घर पर बैठे बैठे बस जितना हो पा रहा उतना कर रहे हैं। और यही सब चीज़ें हैं कॉलेज में, स्कल्पचर हैं प्यारे। तो अभी जो जितना भी काम था, थोड़ा बहुत ही काम था मेरे पास एक्चुअली, मैं ज़्यादा ले नहीं गई थी क्योंकि बहुत सारा काम फिर लेके आने में मुझे दिक्कत पड़ती। तो जो थोड़े बहुत मैंने वाटर कलर किए थे, शायद डाले भी हैं मैंने वीडियोज़ में, तो वही सब मैं ले जा रही हूँ, ले गई थी वही मैंने लगा दिए थे एक्चुअली। ज़्यादा काम मैंने नहीं लगाया क्योंकि फिर मुझे कैरी करने में दिक्कत पड़ती बहुत ज़्यादा। तो यही सब कुछ मेरे काम हैं पुराने, जो मैंने शायद वीडियो भी डाली है इनकी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो बाकी है काम है, ये सब मेरे क्लासमेट्स के, फ्रेंड्स के वर्क हैं सारे। और ये जो है डिस्प्ले एक्चुअली नेक असेसमेंट के लिए हुआ था। जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोज़ बनाने में, इतना आसान काम नहीं है। ये हमारी पूरी क्लास के मतलब जितने भी लोग आए थे उन सब के वर्क हैं, और कुछ वर्क सीनियर्स के भी हैं, तो आप देख सकते हैं लोग लगा भी रहे हैं अभी तक। तो अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था मेरे पास, एक डेढ़ घंटा आई थिंक था, तो फिर मैंने सोचा एक वाटर कलर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम है। और ज़्यादा मैंने टफ़ लिया नहीं क्योंकि फिर मुझे और भी काम थे, तो मैंने कुछ एक छोटा सा ही एक सीन लिया, उसी को मैं कोशिश कर रही थी बनाने की डेढ़ घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। और अगर कॉलेज वगैरह खुल रहे होते ना तो मैं काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, बट जो मैंने सोचा हुआ था आई थिंक कुछ भी वैसा नहीं हुआ। कोई नहीं, हम जो सोचते हैं हमेशा वही चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी जितना मैं कर सकती हूँ मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। मेरा वाटर कलर कम्प्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब टाइम नहीं था मेरे पास, कम टाइम में मैंने ईजिली निकाल दिया उसको। और फिर उसके बाद हमको जो सर हमारे वो डेमो दे रहे थे कि आप इस तरीके से अपना जो पोर्ट्रेट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ईजिली, मतलब धीरे धीरे आप अपने काम को ब्लेंड करें जब आप ड्राई पिस्टल यूज़ करते हैं। तो यही सब चीज़ें सर ने बताई, जब भी आप ड्राई पिस्टल यूज़ करें तो उसको आराम से ईजिली धीरे धीरे मर्ज करें। अभी बज रहे हैं 5 और अब मैं सोच रही थी अब मैं घर निकल चलती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा मेरे को पहुँचते पहुँचते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।